पति का कर्तव्य होता है पत्नी की हर बात हर आवश्यकता पर ध्यान रखना, पूरा करने का प्रयास करना, लेकिन पत्नी से कुछ ना चाहना। और पत्नी का कर्तव्य होता है पति की हर आवश्यकता सुविधा का ध्यान रखना, लेकिन पति से कुछ ना चाहना। दोनों का प्रेम इतना बढ़िया बनेगा, गृहस्थी इतनी सुंदर बनेगी कि एक आदर्श गृहस्थी हो जाएगी। कला कहाँ होता है? जब कामना आ जाती है, पति मेरे लिए ऐसा करे, पत्नी मेरे लिए ऐसा करे, बस कला तो हो जाएगा, गुणता दब जाएगी। प्रेम दो, सेवा करो, दूसरे सुविधा का पूरा ध्यान रखो, लेकिन वो मेरे लिए ऐसा करे ये बात दिमाग से निकाल दो। तुम्हारी गृहस्थी अच्छी बनेगी, परिवार अच्छा बनेगा, जीवन ऊपर उठ जाएगा। जीवन बना लेते हैं, जीवन जी नहीं पाते, तमाम इच्छा कामना तृष्णा पता नहीं क्या क्या मन में है। हम जिस दुख से दुखी हैं वो दुख हमारा अपना ही बनाया हुआ है, किसी और का बनाया हुआ दुख नहीं है। गुरु बताते हैं कि जीवन को कैसे जीना है। माता पिता जन्म देते हैं, जीवन नहीं देते। जीवन देने वाले गुरु होते हैं, जन्म देना अलग बात है, लेकिन जीवन देना बिल्कुल ही अलग बात है। जीवन जीना क्या है? सही सीख देना, सही राय देना, सही संस्कार देना, सही ज्ञान देना, क्या करना क्या नहीं करना है इसका ज्ञान देना, ये जीवन देना है। तो माता पिता सिर्फ अधिकतम जन्म ही देते हैं, बस उनको उपकार है, जन्म दिया पाला पोसा उपकार है उनका, लेकिन जीवन देने वाले तो गुरु होते हैं ना। और लोग पूछते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है, बहुत लोग कहते हैं गुरु की क्या आवश्यकता है, क्या मिलेगा? जब तुम गुरु के पास जाते भी नहीं हो, उनके बैठते भी नहीं हो, सुनते नहीं हो, तो तुम्हें पता कैसे मिलेगा? उनसे पूछो जो पूरा जीवन गुरु की भक्ति करते आ रहे हैं, उनसे पूछो क्या मिलता है नहीं मिलता है। गुरु के बिना तो बोलना भी नहीं आएगा। गुरु क्या देते हैं, गुरु पास जाने से क्या मिलेगा, ये बताने वाला भी कोई गुरु ही रहा होगा। तुम्हारी अपनी बुद्धि से नहीं कर ये प्रश्न उठ रहा है। जो अब तक दुनिया में कहीं नहीं मिला, किसी से नहीं मिला, वह गुरु से मिलता है। तो आज गुरु पूर्णिमा है, करना क्या है हमको? हम केवल गुरु की विशेषता का बखान कर लें, गुरु का ऐसा उपकार है, गुरु का वैसा उपकार है, इतने तो गुरु पूर्णिमा पूरी नहीं हो जाएगी। गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करना है तो उसका एक ही रास्ता है, गुरु के बताए रास्ते पर चलना। धीरे धीरे चलें, लेकिन चलते रहें, चलते रहें। और गुरु से जो ज्ञान मिला है उस ज्ञान को दूसरों को बता देना, आगे उसको और प्रसारित कर देना। तब गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक।
गुरु पूर्णिमा मनाना का अर्थ होता है अपने भीतर का जो गुरु है उस गुरु को जगाना। भीतर का गुरु है विवेक, और विवेक का अर्थ क्या है? गहरी समझदारी, तथ्य बोध हो जाना, ऊपर ऊपर का ज्ञान इससे काम नहीं बनेगा। जैसे एक उदाहरण ले लें, ऊपरी दृष्टि हमारी जो बाहर की आंखें हैं और भीतर की आंख जो विवेक है, दोनों में अंतर क्या है? बाहर की आंखों से हम देखते हैं, देख करके चलते फिरते हैं, पढ़ते लिखते हैं, काम धंधा करते हैं, लेकिन बाहर की आंखों से हम हकीकत को पूरी वास्तविकता समझ नहीं सकते। उसके लिए भीतर की आंख विवेक। अंतर क्या है? जैसे एक सामान्य कैमरा है, जैसे अभी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ये कैमरा क्या लेगा? केवल बाहर की रिकॉर्डिंग करेगा, बाहर के चेहरे का फोटो ले लेगा, बस बोल रहे हैं उसकी भी रिकॉर्डिंग कर लेगा, लेकिन बाहर जो कुछ है दृश्य उसका ही रिकॉर्डिंग करेगा। लेकिन एक्सरे मशीन क्या करेगा? वो बाहर का फोटो नहीं लेगा, भीतर का फोटो लेकर बताएगा कि भीतर सही है या नहीं है। हमारी बाहर की जो दृष्टि है, आंख बाहर की आंखें हैं, केवल ये बाहर का कैमरा है, ऊपर ऊपर का फोटो लेने वाला, और विवेक भीतर का फोटो लेने वाला कि अंदर क्या चल रहा है। बाहर के चेहरे देखकर हम प्रसन्न हो जाते हैं, होता क्या है जरा कल्पना करो, एक आदमी एक स्टूडियो में गया, फोटो खिंचवाया और फोटोग्राफर ने उसको बढ़िया से बढ़िया चित्र बनाया। आदमी थोड़ी तकलीफ थी, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा कि जाओ एक्सरे करवा लो, एक्सरे करवाने भी गया, एक्सरे का रिपोर्ट आया, फोटोग्राफर ने जो फोटो खींचा था वो फोटो और एक्सरे की रिपोर्ट दोनों एक दिन एक साथ मिले। फोटोग्राफर ने फोटो बहुत सुंदर फोटो बनाया है, आदमी देख करके प्रसन्न हो गया, वाह मेरा फोटो कितना सुंदर है। लेकिन जब एक्सरे रिपोर्ट देखा तो एक्सरे रिपोर्ट लिखा था कि तुम्हें भीतर से टीबी है। अब खुश होना चाहिए आदमी को, नहीं होना चाहिए? चेहरा खुश तो है, चेहरा तो प्रसन्न है ना। ये बाहर का चेहरा भले खराब हो जाए भैया, फोटो बढ़िया ना आए कोई बात नहीं, भीतर एक्सरे की रिपोर्ट सही आना चाहिए। हमारा विवेक क्या बता रहा है? विवेक से कभी समझने का प्रयोग करते हैं या नहीं करते? विवेक दृष्टि सोई हुई है, गुरु का काम है उस भीतर की विवेक दृष्टि को जागृत करना, उसी के लिए हमें गुरु शरण में जाने की आवश्यकता होती है। ये ऊपर पर जो दिखाई पड़ रहा है ना, हम इसी में मोहित हो जा रहे हैं, केवल बाहरी से फोटो ले लेकर हम मोहित होते चले जा रहे हैं, यही तो भटकाव का कारण है। गुरु इस भटकाव को रोकता है कि बाहर की जो मिठाई है, ये गोबर की मिठाई पर सोने का वर्क लगा हुआ है, इसमें मोहित मत होना, ये वर्क सिर्फ सोन ऊपर ऊपर है, भीतर तो बिल्कुल गोबर है, निस्सार है, बेकार है, सड़ी हुई चीज है। ये दृष्टि देने वाले गुरु होते हैं, और इसी दृष्टि को अपना करके आगे बढ़ना, तब गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक होता है। आगे भीड़ इकट्ठी हो गई, कुछ प्रवचन हो गए, गुरु की बारी पूजा कर लिए, भोजन भंडारा हो गया, ये तो औपचारिकता है। जरा सोचें, गत वर्ष आषाढ़ पूर्णिमा आई थी, गुरु पूर्णिमा का पर्व जो जहां था अपने यहां से मनाया था, अपने अपने गुरु सब याद किए थे, और आज हम गुरु पूर्णिमा का पर्व मना रहे हैं। साल भर का समय व्यतीत हुआ, इस साल भर के दरमियान में मेरे कितने गलत कर्म छूटे, मेरे कितने दोष छूटा, दोष छूटे,
कितने दुर्गुण छूटे, कितने दुर्व्यसन का मैंने त्याग किया, कितने बुराई का मैंने त्याग किया। जितना पहले उलझन होती थी, अशांत होती थी, चिड़चिड़ाहट होती थी, लोभ होता था, क्रोध होता था, ये सब दूर हुए या नहीं हुए? दया, क्षमा, धैर्य, विवेक, विचार, सहनशीलता, कोमलता, मीठी वाणी, प्रेम, ये बढ़े या नहीं बढ़े? यदि दोष, दुर्गुण, गलत स्वभाव, गलत आदत घटे, संयम बढ़ा, सहनशीलता बढ़ी, धैर्य बढ़ा, संतोष बढ़ा, उदारता बढ़ी, प्रेम बढ़ा, तो समझना गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक हो गया, अन्यथा केवल औपचारिकता बन करके रह गए। खैर, जो बीत गया वो हम लौटा कर ला नहीं सकते उससे, लेकिन आज हम यदि संकल्प करते हैं कि आज हम गुरु आश्रम में एकत्र हुए हैं, अनेक गुरु भाई यहाँ पर जुड़े हुए हैं, गुरु की याद कर रहे हैं, तो आज मैं संकल्प लेता हूँ मेरे जीवन में जो बुराइयाँ हैं, दोष, दुर्गुण हैं, गलत स्वभाव है, उलझन की आदत है, अगले गुरु पूर्णिमा मना के आते तक, जब गत अगले वर्ष गुरु पूर्णिमा आएगी, इसमें से इतना मैं ज़्यादा नहीं 10-25% घटा करके ही रहूँगा, तो आज का गुरु पूर्णिमा मनाना सार्थक हो जाएगा। गुरु की पूजा इसीलिए हम करते हैं, दुखी रहने के लिए हम गुरु के पास नहीं जाते, लघु बनने के लिए हम गुरु के पास नहीं जाते, आगे बढ़ने के लिए जाते हैं। और आगे बढ़ना क्या है? आगे बढ़ना, यही आगे बढ़ना है, अपने गलत स्वभाव, दोष, दुर्गुण, गलतियां, बुराइयां, इनको छोड़ करके अच्छे मार्ग में बढ़ना, अच्छे कर्म करना, अच्छा स्वभाव बनाना, अच्छा व्यवहार करना, उदार बन जाना, सहनशील बन जाना, ये आगे बढ़ना है। इसी से भीतर की जो गुरुता है वो प्रकट होगी, तब जीवन में गुरुता आएगी, क्योंकि गुरु का अर्थ ही होता है वजनदार, भारी। तो भारी होना, वजनदार होना शरीर से नहीं, व्यवहार से, उदारता से, संतोष से, आचरण से। और जिनके जीवन में ये वो गुरु है, तो आज हम गुरु पूर्णिमा के पर्व पर एकत्र हुए हैं, गुरु की याद कर रहे हैं, हमारे जीवन में गुरु का बहुत उपकार है, उस उपकार को याद करके उनके प्रति श्रद्धावनात होना है, श्रद्धांजलि व्यक्त करना है, और साथ साथ जीवन यात्रा में जो लोग मिले हुए हैं, मित्र परिजन, उनके साथ सुंदर से सुंदर प्रेम का, सेवा का, भक्ति का, समर्पण का, सहयोग का व्यवहार करते हुए मन को वहां से ऊपर उठा करके आत्मबोध प्राप्त करके संयम सदाचार के मार्ग पर चलकर पूर्ण शांत, शीतलता और आनंद का अनुभव करना, और अंत में देहभाव का त्याग करके आत्मबोध में मन का लीन हो जाना, यही गुरु पूर्णिमा मनाना है। क्योंकि भीतर का तब गुरु जागृत, सबके भीतर गुरु बैठा हुआ है, सबके भीतर ये जो जीव बैठा हुआ है, जो बोल रहा है, यही तो गुरु है, लेकिन इस गुरु का हमें ज्ञान नहीं है, क्या वो शरीर का ज्ञान है, इसलिए हम भटकते हैं। शरीर है, इसकी व्यवस्था करो, लेकिन इसकी व्यवस्था करके जो आत्मतत्व बैठा हुआ है, असली गुरु, उसका ज्ञान प्राप्त करें। उसका ज्ञान हो गया, जब उसका ज्ञान हो जाएगा तो निश्चित है हमारा व्यवहार सबके प्रति सुंदर हो जाएगा, उदारतापूर्ण व्यवहार हो जाएगा, फिर कहीं कहीं कलह रह नहीं जाएगा। तो सरल होना, विनम्र हो जाना, निष्काम, निरहंकार, निर्माण हो जाना, इसमें गुरुता है। और जिसके जीवन ऐसी गुरुता आ गई, गुरु पूर्णिमा मनाना उसके लिए सार्थक हो गया। आप सब बहुत दूर दूर से आए हुए हैं, अनेक संतों के विचारों से लाभान्वित हुए, कार्यक्रम सुबह बढ़ाए, कबीर पारस संस्थान, कबीर आश्रम की ओर से आप सबके प्रति बहुत बहुत
मंगल कामनाएं हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं हैं। यहाँ से एक प्रेरणा लेकर के जाएं और जीवन शैली में परिवर्तन करके उस ढंग से जीवन जिए कि मन सांसारिकता से ऊपर उठ करके अध्यात्म की ओर आगे बढ़ता चला जाए, असंतोष भाव छूट करके संतोष मन में आ जाए, अशांति दूर होकर के शांत शीतल मन हो जाए। यही शुभकामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर मैं विराम देता हूँ।